You're watching City News 24x7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24x7 पर। बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन हुदूद बेगम बाज़ार के इलाके में तकिया कबीर उद्दीन शाह दरगाह कब्रिस्तान की गेट के सामने पब्लिक टॉयलेट बनाने पर AIMIM के कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा रहमत बेग, विजयनगर कॉलोनी कॉपरेटर जफर खान और AIMIM के वर्कर ने मुकामी कॉपरेटर और GHMC डिप्टी कमिश्नर विनय कपूर के ख़िलाफ़ धरना दिया। पुलिस ने तमाम AIMIM वर्कर को गिरफ्तार करके नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वक्फ बोर्ड के CEO कासिम साहब ने भी वहां का दौरा किया और काम को रोकने को कहा, मगर कुछ देर के लिए काम को रोका गया, फिर काम चालू कर दिया गया। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। Thank you.
तकिया कबीरुद्दीन शाह के कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर नाजायज जीएचएमसी वाले अपनी गुंडागर्दी करते हुए विनय कपूर बोल के डिप्टी कमिश्नर है, उन्हें पुलिस का सहारा लेकर कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर नाजायज पे टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के पास कोर्ट में आर्डर पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड यहाँ पर आके आर्डर बता रही, तो भी वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करी है। और इस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है। और ये कब्रिस्तान के ताल्लुक से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेश्वर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर भी धरना दिया गया था, नाजायज़ यहाँ के ऊपर टॉयलेट बना रहे बोल के। फिर से एक बार पुलिस का भारी बंदोबस्त डालकर यहाँ पर ये विनय कपूर बोल के ये बेगम बाजार सीए साहब गैर ज़रूरी के इसमें इन्वॉल्व होकर यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग लाइन आर्डर को काबू में रखिए, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ी होंगी तो इसके ज़िम्मेदार यहाँ के बेगम बाजार सीए साहब रहेंगे इसके लाइन आर्डर प्रॉब्लम के, जो कि उन्होंने वन साइड जाकर जो ये काम करा रहे हैं ये बहुत गलत बात है। हमारे इबादतगाह है यहाँ पर, हमारा कब्रिस्तान है यहाँ पर, हमारे कब्रिस्तान की जगह गंदगी सुनने तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कब्रिस्तान है ये वक्फ नोटिफाइड कब्रिस्तान है और गैजेट नंबर 20A के तहत सीरियल नंबर 666 पे वक्फ नोटिफाइड कब्रिस्तान है। ये 100 साल से पुराना कब्रिस्तान है, इसमें हमारे आबा अजदा का यहाँ पर जो है खबरें हैं, कबूरें हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक टॉयलेट का अनुसन कई सालों से चल रहा है, जीएचएमसी को शिफ्ट करो बोल के हम कई साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो शिफ्ट करने की बजाय उसको तोड़ के बड़ा बना रहे हैं और गेट के सामने इसकी तामीर की जा रही है। और जब हम कमिश्नर को जीएचएमसी को पूछ रहे हैं तो ये जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर बनाओ बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर में हम ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर में नाम वक्फ पार्टी है ना मस्जिद पार्टी है, इसमें ना केयर टेकर पार्टी है, बिना कोई पार्टी बनाए के थर्ड पर्सन एक कोर्ट का ऑर्डर ला ले रहे, थर्ड पर्सन एक अपील को चले जा रहे। वक्फ को ना कोई नोटिस गई है ना कुछ गया है, लेकिन ये कब्रिस्तान पे जो इलीगल टॉयलेट बन रहा है हम इसकी मुखालिफिन कर रहे हैं। और तमाम मुसलमान तेलंगाना से और महमूद अली साहब से, सीएम केसीआर साहब से, जो सेक्युलर अपना नेचर बताते हैं, वो सेक्युलर हुकूमत से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि ये टॉयलेट जो बनने जा रहा है इसको रोका जाए, वरना एक कम्युनल टेंशन हो जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं भी मजहबी जगह पे टॉयलेट गलाजत हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो मसानगट्टी हो, कहीं पर भी ऐसी जो है पेशाब खाना वगैरह नहीं बनना चाहिए। हमारे हर एक मजहब की हम जो है रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे हिंदू भाई से भी हम अपील करते हैं कि कब्रिस्तान की रेस्पेक्ट करें, अंदर जो बुजुर्गान दीन की दरगाह है वो दरगाह की रेस्पेक्ट करें और यहाँ पेशाब खाना बनने से रोके। शुक्रिया। दुकानदारों की दुश्मनी हो रही है,